हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज कोरल ड्रॉ की एक और टिप्स एंड ट्रिक्स की सुपर इजी क्लास, और आज हम कुछ बनाने वाले हैं ये इस तरीके से नोटबुक। अब तक हम लोग नोटबुक पर लिखते आए हैं, बट आज हम खुद कंप्यूटर में नोटबुक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताऊँगा आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और किस पे बनाएंगे? जी हाँ, कोरल ड्रॉ पे ही बनाएंगे, कोरल ड्रॉ हम सीख रहे हैं। तो ठीक है, तो कहीं मत जाइए, एंड तक वीडियो को देखिए। और चलिए कैसे बनाते हैं नोटबुक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोटबुक बनाने के लिए मैं पहले जो मैंने ये बना रखा है इस सैंपल को मैं करता हूँ साइड में, ठीक है। एंड यहाँ मैंने A4 का अपना साइज ले रखा है, A4 शीट ले रखी है मैंने। और शीट लेने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है अपना नोटबुक डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ मैं टूल बार में से हम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ से 2.9 ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमको इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो हमको क्रिएट करनी होगी, जो हमारे रो और कॉलम होते हैं उसको हमको करना होगा क्रिएट। तो यहाँ से मैं आउटलाइन का विड्थ ले लेता हूँ 0.1 mm, एंड ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले एक आउटलाइन पहले क्रिएट कर लूँगा। लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो प्लीज़ सॉरी, आप लोग जब बनाएं तो उसको प्रॉपर वे में सीधा बनाएं, अभी आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। तो ये मैंने लाइन क्रिएट कर ली है, अब हमको आउटलाइन करना होगा कलर, ठीक है। तो मैंने आउटलाइन सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से अल्ट दबा के मैं करता हूँ आउटलाइन के अंदर कलर, ठीक है। इसके बाद मैं इसको करूँगा यहाँ से डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट रखें और थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाएं, और मैं कीबोर्ड का स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मेरा हो गया डुप्लीकेट। अब थोड़ा सा इसको ले चलते हैं इसके नज़दीक, तो ये डबल डुप्लीकेट हो चुका है। हम इस वाले को करते हैं डिलीट, इसको मैं करूँगा सेलेक्ट और यहाँ से डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हैंड टूल से सेंटर ले लेता हूँ और इसको वापस करूँगा सेलेक्ट, सो कि मैंने ग्रुप, और इसका भी हम ले लेंगे डुप्लीकेट क्योंकि हमें अब बनानी है इसकी रो। इस पर डबल क्लिक किया, इसको किया रोटेट इस तरीके से, ठीक है, और कुछ इस तरीके से किया, और इसको मैंने किया सेलेक्ट और डिलीट, ठीक है। इसके बाद इसको करते हैं, ले चलते हैं टॉप पे, इसको रखेंगे यहाँ पे हम, और इसको कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। इसको डबल क्लिक और थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं इसके, लाइक दिस। अलाइनमेंट का आप लोग ध्यान रखें, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे हमको करना है, ठीक है। तो ऊपर का रोज आप लोग को सेट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, हमको यहाँ बनाना है एक बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ पे अपना डेट के लिए। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे हम इस तरीके से, एंड इसके भी आउटलाइन में हम कलर देते हैं, रेड कलर दे दिया मैंने। और यहाँ शेप टूल से इसको मैंने थोड़ा सा क्या करा, राउंड शेप में दे दिया कुछ इस तरीके से, ओके। एंड यहाँ मैंने अपने टेक्स्ट टूल से मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट इसके अंदर, ठीक है, ये मेरा डेट लिख दिया है। और इसको यहाँ तक ले देंगे और इसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे इसको अपना 8 point तक, और इसका भी हम कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। तो ये हमारा डेट के लिए हमारा कॉलम रेडी हो चुका है, बॉक्स रेडी हो चुका है हमारा, ठीक है। इस पर हमको क्या करना है, अब हमको क्रिएट करनी है इसके अंदर रोज जो हमको क्रिएट करनी है रोज, वो कुछ इस तरीके से करनी है, ठीक है। तो फिर से मैं लूँगा यहाँ पर अपना बीजे टूल, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ तक रखा और ये ड्रॉ किया। इसके बाद इसी रो को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया एंड नीचे की तरफ लिया कुछ इस तरीके से, लगभग इतना, और स्पेस बार से करी इसकी कॉपी, ठीक है। अब इन दोनों करेंगे सेलेक्ट और इसका हम बनाएंगे डुप्लीकेट कुछ इस तरीके से। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसका लगातार डुप्लीकेट करते चले जाना। तो यहाँ आप लगभग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारा डुप्लीकेट कर लिया है, और डुप्लीकेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो है हिंदी की नोटबुक रेडी हो चुकी है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत इजी है, और बहुत मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अपने दोस्तों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो इसी तरीके से आप रो और कॉलम और लाइन ड्रॉ करके आप ऐसे ही आप इंग्लिश की नोटबुक बना सकते हैं, मैथ्स की बना सकते हैं, बहुत ईजी है। ट्राई ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आइए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।